गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अब मैं निकल गई हूँ टूवर्ड्स ठाकुरवाड़ी विलेज। सो बीच में मैंने अपना लंच किया, देन हम वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो पनवेल स्टेशन से ठाकुरवाड़ी विलेज पहुँचने में हमको अराउंड 45 मिनट्स टू 1 आवर लगे। सो मैं इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स देने वाली हूँ कि आप अपने ओन व्हीकल से कैसे आ सकते हैं, या तो आपके पास अगर व्हीकल नहीं है तो भी आप कैसे इस बेस लोकेशन तक पहुँच सकते हो। सो हम पहुँच चुके हैं, यू कैन सी जो रेड लाइन है ना, वहाँ हमको ट्रैक करके जाना है, और ऊपर का जो पीक है ना वो कल सुबह ट्रैकिंग करेंगे। तो हमको पहले बैचेस मिले, दिस इज़ आर ग्रुप जो प्रबल माचे कैंपिंग करने वाले हैं हमारे साथ। फिर हमने अपना ट्रैकिंग शुरू किया है, एंड देन हमको 2 आवर्स या 2.5 आवर्स लगे पूरा अपने बेस कैंप तक जाने में। हमने छोटे छोटे स्मॉल ब्रेक्स लिए बीच बीच में, थोड़ा रिलैक्स किया, एंड देन अपनी जर्नी कंटिन्यू की। सो इस पैकेज में हमारा ट्रैकिंग, फूड अरेंजमेंट्स, देन फायरफ्लाइज हंटिंग, टेंट स्टे, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पेज नहीं करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी अलग अलग है इफ़ यू आर कमिंग बाय योर ओन व्हीकल या आप उनके साथ आना चाहते हैं फ्रॉम पनवेल, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगी। उसके बाद में गाइस 3 to 4 stops आएगा आपको बीच में, जहाँ पे आपको शॉर्ट ब्रेक लेना ही पड़ेगा बिकॉज बहुत हेक्टिक हो जाता है। देन एकदम नीचे जो है ना, हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, अब हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। मतलब यहाँ से अभी 20 मिनट्स का रास्ता और है, बट अभी सनसेट होने वाला था तो हमने यहाँ पे ब्रेक लेके अपना सनसेट इन्जॉय किया। बहुत ही फिनोमिनल व्यू था यहाँ से, और ऊपर कैंप लोकेशन पहुँचे तो अंधेरा भी हो गया था, एंड देन वी रीच्ड। आप सिटी लाइट्स देख सकते हो, हम कैंप लोकेशन आ गए हैं और हमने अपना टेंट भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में हमने थोड़ा फ्रेशन अप हुए, एंड देन वी हेडेड फॉर आवर स्नैक्स टाइम। तो स्नैक्स में 2 ऑप्शन थे, मैगी या पोहा, सो आप कुछ भी ले सकते हैं, एंड देयर वॉज चाय एज वेल। उसके बाद में हमारे ही कैंप पे एक छोटू सा फायरफ्लाइज भी था, तो स्टार्ट तो अच्छी हुई, लेट्स सी कितने फायरफ्लाइज देखने मिलेंगे। उसके बाद हुआ हमारा ग्रुप डिस्कशन, वी गेट टू नो ईच अदर, एंड देन वी लेफ्ट फॉर फायरफ्लाइज हंटिंग। बहुत ही सुंदर दिख रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू था फायरफ्लाइज का। मैं फ़ोन के थ्रू आपको जितना दिखा सकती हूँ गाइज, ये कुछ भी नहीं है, रियल में बहुत अच्छा लग रहा था। स्टिल आप अपना ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर सकते हो, किसी डार्क रूम में देखेंगे ना तो जो छोटे छोटे लाइट्स आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज़ फायरफ्लाइज। मैंने कुछ फायरफ्लाइज ऐसे थोड़े कैच करने की भी कोशिश की है, वो आपको आगे वाले क्लिप में देखने मिलेगा। देन हम वापस अपने कैंप लोकेशन पे आए, और बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शंस थे, हमने नॉन वेज लिया। मैं आपको पूरा दिखा भी नहीं पा रही हूँ बिकॉज मुझे इतनी भूख लगी थी कि मेरे में इतने पेशेंस ही नहीं थे। सो फूड में था चिकन, देन रोटी, भाकरी, राइस और सालन भी था, दैट वॉज अनलिमिटेड। तो हमने टेंट में वापस आ गए, थोड़ी बातें की, एंड देन वी स्लेप्ट बिकॉज सुबह 5:30 को हमको कलावंतिन ट्रैक पे भी जाना था, एंड दिस इज़ हाउ आई वोक अप एट 6:30। तो मैं तो गई नहीं ट्रैकिंग के लिए बिकॉज बहुत थक गई थी, और 5:30 के अराउंड ना बारिश भी शुरू हो गई, तो ये तो मुझे लगा सब कैंसिल कर देंगे, बट हाफ लोग हमारे ग्रुप के गए थे ट्रैकिंग के लिए और बाकी लोग जस्ट रिलैक्स कर रहे थे कैंप साइट पे ही। तो मुझे तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइज, बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा था। मॉर्निंग व्यू वॉज सो स्पेक्टेक्युलर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। 6:30 अराउंड हम उठे थे, पूरा फॉग था एंड सनराइज़ होने ही वाला था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो मैं अभी आपको ना पूरा व्यू दिखाती हूँ सामने का कि कैसा दिख रहा है, लेट मी शो यू। सो यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। रात को हम आए थे तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था, बट मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा फैबुलस लग रहा है, रिलैक्सिंग लग रहा है। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था बारिश के बाद। जो बड़ा वाला पीक आप देख रहे हो ना, दैट इज़ कलावंतिन फोर्ट, वहाँ तक अलग ट्रैकिंग करके जाना था मॉर्निंग में, बट हम तो हम हैं तो रिलैक्स कर रहे हैं।
तो नाउ कमिंग टू डिटेल्स गाइस, यहाँ पे आने के लिए ना मैंने एक इंस्टाग्राम पेज है दैट इज़ वॉन्डरिंग सोल्स, उनके थ्रू बुकिंग किया था। आई विल मेंशन देयर इंस्टाग्राम हैंडल ऑन स्क्रीन और इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। काफ़ी स्मूथ था पूरा बुकिंग सेशन। दो ऑप्शंस थे, यू कैन कम बाय योर ओन व्हीकल या तो आप उनके साथ पनवेल स्टेशन से भी आ सकते हैं, दे विल पिक यू अप। सो दोनों के चार्जेस भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। देन मॉर्निंग में थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हम फ्रेशन अप हुए, हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और हम निकल गए अपने अपने घर के लिए इस प्लेस को बाय करते हुए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। सो या सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।